हमारी जो फिक्र है ये है कि इमरान खान शाह महमूद कुरैशी 10 साल के लिए कैद हैं, और आज जज जो थे हाई कोर्ट के अंदर वो ये कह रहे थे कि ना कागज़ किसी ने देखे, ना प्रोसिक्यूशन, ना डिफेंस ने, ना जजेस ने, और 10 साल की कैद उनको दे दी है। इससे बड़ा मजाक हो सकता है? और ये राणा सनाउल्लाह जो 15 जो वो तो खुद तो हारा हुआ है, लेकिन जो वो उसकी जमात है नून लीग 17 सीटों के साथ जीती हुई, बाकी सारे चोरी किए हुए लोगों की सीटें चोरी किए हुए चल के हुकूमत के ऊपर बैठे हुए हैं, और उनकी जुरत कि वो बैठ के या उनके जो ये टाउट्स बैठ के इमरान खान को धमकियां जान की दे रहे हैं, क्या ये नून लीग के ज़िम्मे लगा है इमरान खान को ख़त्म करना? ये उसके ज़िम्मे लगा है? ये 17 सीटों वाली जमात की ये परेशानी है कि हमारे पास सिर्फ 17 सीटें हैं, और इमरान खान को जिसका दिल करता है खुद आके टीवी के ऊपर बैठ के जान की धमकी दे रहा है क्योंकि ये बदमाश है राणा सनाउल्लाह? इसका क्या ख्याल है कि यहाँ सब ने घर बैठे रहना, आराम से बैठे रहना, या आपका ख्याल है कि जो पीटीआई के हैं जिनको उन्होंने हराया है, वो तो वहाँ के हारा हुआ आदमी है ये राणा सनाउल्लाह, फैसला बाद ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, इसी ने ये साइफर की ये अहमकाना केस किया था, और ये अब टीवी के ऊपर बैठ के इसका यहाँ बस नहीं चला एफआईआर से, तो अब ये इमरान खान को जान की धमकियाँ देगा? या मरियम औरंगजेब जिनकी फैमिली को, उनके जो फैमिली के लोग हैं मैं उनको जानती हूँ, और ये इस बेचारी से क्या क्या करवा लिया, बेचारी मरियम औरंगजेब से इससे क्या करवा रहे हैं? बेचारी है भाई, ये कौन ऐसी बातें करते हैं, अपने आप को जलील करते हैं टीवी के ऊपर बैठ के, और झूठ बोलना पड़ता है सारा दिन, मुझे तो उन पे तरस आ रहा है। अच्छा तो मैडम ये बताएगा कि लेकिन अगर ये धमकियां देंगे इमरान खान को, इमरान खान का वजूद रहेगा या हमारा वजूद रहेगा राणा सनाउल्लाह? अगर ये धमकियां देंगे ये हारी भी पार्टी, फिर से मैं कहूँगी हारी भी पार्टी 17 सीटों की पार्टी है, और ये उस एक अजीम शख्स जो जेल के अंदर बैठा हुआ है साथ शाह महमूद बैठे हुए हैं 10 साल की, आज मेरे ख्याल में जो हमारे जज साहिबान थे जिन्होंने आज कोर्ट बंद कर दिया, उन्होंने कहा 25 लोग से ज़्यादा अंदर ही नहीं आ सकते यहाँ पे MNAs MPs जो ये नहीं रोक सकते, उनको अगर वो कार्ड दिखाएं वो कोर्ट में जा सकते हैं, आज उन्होंने कहा सिक्योरिटी की वजह से आज आप अपने MNAs और MPs को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया कि जब तक 25 लोगों की लिस्ट नहीं होगी MNAs MPs के अंदर नहीं आने देंगे, सिर्फ 25 को इजाज़त मिली थी, बाकियों को बाहर ठहर जाए, बाहर रोक दिया। तो आज अगर आपके MNAs और MPs कोर्ट्स के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं, राणा सनाउल्लाह टीवी पे बैठ कर 17 सीटों वाला टीवी पे बैठ कर इमरान खान को जान की धमकी देगा, तो मेरे ख्याल में मैडम आपको FIR नहीं कटवानी चाहिए। हम FIR है बहुत कटवानी कटने, एक सेकेंड नहीं बताओ आप खुद, एक सेकेंड हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो एक्सेप्ट कर ले तो हम हर शहर में डालेंगे, फैसलाबाद में डलेगी, लेकिन वो अगर कोर्ट आपके एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि हुकूमत तो 17 सीटों वाली पार्टी की है ना, पुलिस उनके मातहत है 17 सीटों में करा दें मैडम, सब जगह डलेगी, FIR इनके ऊपर डलेगी, ये अगर इन थ्रेट्स को संजीदा ले, हाँ इन थ्रेट्स को संजीदा ले रहे हैं आप लोग ये जो कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह साहब? हम संजीदा ही ले रहे हैं ना, हम संजीदा ही ले रहे हैं जो FIR दर्ज करने जा रहे हैं, लेकिन राणा सनाउल्लाह को फिर मैं घर मिलने जाऊंगी फिर इनके, मैं उनको समझा कर आऊंगी, अगर आइंदा अगर वो माफ़ी ना मांगी उन्होंने तो हम उनके पास जाएंगे, उनके घर उनको मिलने, उनकी फैमिली से, उनकी बीवी से, उनके बच्चों से मिलेंगे, राणा सनाउल्लाह की फैमिली से मिलेंगे ना, हम उनकी फैमिली हैं इमरान खान की, हम इस तरह उनकी फैमिली को अगर उनकी बहनें हैं उनके बाकी उन्हीं से मिलेंगे ना, उनको मिल के ये पूछना चाहेंगे कि आपको अल्लाह का खौफ है तो इस शख्स को कंट्रोल करो, अगर ये कत्ल करने का सोच रहे तो ये सोचे, आप भी सोच लें कि आप औरों के भी घर वाले हैं, वो अकेले नहीं है इमरान खान। अच्छा ये बताइए इमरान खान से आप मुलाकात करें क्योंकि आज शाह महमूद कुरैशी को भी इजाज़त नहीं दी गई उनके उनसे मुलाकात की। देखें ये मरियम नवाज की हुकूमत है इस वक्त 16 सीटें वाली, मेरे ख्याल में 17 सीटें मैंने ज़्यादा बता दी, 16 सीटें वाली हुकूमत है,
अब ये बेचारी ये यही करेगी हरकतें, पैनिक करेगी, इमरान खान का दरवाज़ा बंद कर दो, जेलें बंद कर दो। मरियम नवाज ताकि विजिट कर रहा है, उसको अडयाला भी देखा है, वो टोट कोट लकबा तो हुआ ही है चक्कर लगाने। इससे काम नहीं चलेगा, इनसे ये चल ही नहीं सकता, ये कितने दिन चला लेंगे, हम घर तो नहीं बैठे रहेंगे ना। तो मरियम नवाज को थोड़े दिन ये कर लेगी, कितने दिन 16 सीटों पे नहीं चल सकती। मैडम, एस्टेब्लिशमेंट से कोई पैगाम आपकी तरफ से या कोई मुज़ाकरात की? देखें, मुज़ाकरात छोड़ें, इस वक्त केस है यहाँ पे, इमरान खान को कन्विक्शन ख़त्म होनी चाहिए बस, और शाह महमूद की जो यहाँ लगी हुई है अहमकाना केस है। जज भी आज इसके ऊपर, उनको समझ नहीं आ रही थी कि केस किस चीज़ के ऊपर क्या हुआ है। अच्छा। तो जब नहीं पता किसी को कि केस किस चीज़ पर है, तो ख़त्म करें कन्विक्शन, बस कर दें ये ड्रामा। अब ड्रामे की आखिर आ गई है ना, अब डोनाल्ड लू, अब डोनाल्ड लू पे बात करें। जी जी, सवाल यही है कि डोनाल्ड लू के बयान के बाद, एक सेकंड, बयान के बाद डोनाल्ड लू के ऊपर बात करें। देखिए, आज पाकिस्तान को ये तो समझ आ गई कि जो हम समझते हैं डोनाल्ड लू पाकिस्तान का वाइसरॉय है, आज उसको, इनको, पाकिस्तानियों को ये समझ आई कि वहाँ सरकारी अफसर को जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लोग होते हैं, जो इन आवाम होती है, उनके नुमाइंदे सवाल जवाब कर सकते हैं। आज उसकी, जब उसको बुलाया गया, उससे यही पूछा गया, उसने क्या कहा? मैंने तो कहा ही कुछ नहीं है। तो उसने सच बोला है या झूठ बोला है, अब ये कौन फैसला करेगा? साइफर के अंदर है ना सच। हमारा असद मजीद जो इतने अच्छे इतने काबिल रिस्पेक्टेबल आदमी है, उसने क्यों झूठ बोलना था? डोनाल्ड लू ने झूठ बोला है अपने वो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के आगे। वो तो कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मेरी बेगम को धमकियां दी गई हैं, और हम बहुत ज़्यादा इन अरसे में अजियत का हमने सामना किया है। डोनाल्ड लू ने ये बयान दिया, अमेरिका में कौन उसको धमकियां दे रहा होगा? ये हमारे लोगों ने उसको सिखाया होगा कि ऐसे कहना। वो असल में हकानी, इमरान खान ने कहा था बाजवा हकानी, ये इनका, उसका लॉबीज जो था बाजवा साहब का, उन्होंने हायर किया था ये हकानी का, ये हकानी की कारकर्दगी है। अच्छा, अच्छा, वहाँ पे अमेरिका में नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान मिलिट्री कोर्ट्स का सामना कर रहे हैं, कैद जो है वो हुए हुए हैं, उनकी फैमिलीज जो है वो आई हुई थी, उनको किसी किस्म की इमदाद नहीं मिली। ये इनका, मेरी बहन का बेटा, न्याजी का बेटा, ये भी हसन न्याजी भी मिलिट्री कोर्ट, मिलिट्री जेल के अंदर है। तो अभी सारे कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में बात, मुलाकात क्यों कराई थी आपकी जब से अंदर है वो? हाँ, होती है मुलाकात, हफ्ते में एक दिन मुलाकात। कैसी हालत है उनकी? ठीक है। खाना पीना बिल्कुल सही है? अच्छा मैडम, आखिरी सवाल कहते हैं जी, 35 लाख का इमरान खान खाना खा गया अडयाला में। देखिये, आप इस किस्म की एक्यूजेशंस, आप इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं लगा रहा। आप इल्जाम लगा रहे हैं जो जेल के जो जो इंतजामिया, उस पे आप इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, ये मेरा इल्जाम नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। अब उनका मेन्यू तो आपके आगे आ गया है, उसका हिसाब लगा लें कितना लगेगा। वो जब उनके पैसे खत्म होते हैं इमरान खान के, तो वो उनके जमा हो जाते हैं। नहीं, खाना मतलब है खाने के पैसे आप लोग जमा करा रहे, पार्टी जमा करा रही? नहीं, पार्टी क्यों जमा कराएगी? इमरान खान की जेब खाली तो नहीं है ना, घर वाले जमा कर रहे हैं। अच्छा, अलीमा खान साहिबा, अभी आपने कहा कि आप राणा सनाउल्लाह साहब के घर जाएंगी। आप कह रहे हैं अगर ज्यादा खाना खा लिया फिर आप उनके ऊपर इल्जाम। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप राणा सनाउल्लाह साहब के घर जाएंगे, उनकी फैमिली से बात करेंगी, क्या बात करेंगी? कंट्रोल करें उसको, राणा सनाउल्लाह को कंट्रोल करें। मैडम, एक आप वो कह रहे हैं हमारे भाई को वो कत्ल करने की बातें कर रहे हैं, तो हम उनको यही कहेंगे कि कंट्रोल करें। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने सियासी वजूद खत्म करने की बात की है। राणा सनाउल्लाह जब धमकी देता है ना, तो सारों को पता है कि पूरे फैसलाबाद में जाए, और आप सबको भी पता होगा, या मैं आपको बताऊं? आप मुझे बता दें या मैं आपको बता दूंगी। अच्छा मैडम, कि राणा सनाउल्लाह की क्या फैसलाबाद में उनके बारे में क्या कहते हैं? अच्छा मैडम, और ये जब वो कत्ल की धमकियाँ देगा, तो फिर हम उनकी फैमिली के पास जाएंगे, उनके घर जाएंगे, उनके एक एक घर वाले खातून से मिलेंगे, कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं इनको। हाँ, FIR दर्ज करने की कोशिश हो रही है, जाते हैं एप्लीकेशन, एक दो चार जगह से रिजेक्ट हुई है, हम बैठ जाएंगे जब तक ये इसके खिलाफ FIR। अच्छा मैडम, एक सवाल ये है कि इमरान खान एक बड़े क्रिकेटर रहे हैं, और शाहिद आफरीदी भी बड़े क्रिकेटर रहे हैं, और वो शाहिद आफरीदी इमरान खान को इमरान भाई कहते हैं, और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी कहा है कि मैं इमरान खान को देखकर ही क्रिकेट में आया हूँ।
अब सोशल मीडिया पर इमरान शाहिद अफरीदी को लेकर कुछ गैर जरूरी तनकीद हो रही है उनकी बेटी अहले खाना पे, तो क्या पीटीआई की तरफ से हो रही है? मुझे नहीं पता, देखिए एक सेकंड क्या ऐसा होना चाहिए? मुझे तो कोई नहीं पता कि शाहिद अफरीदी का कहां बीच में, हम यहां सारा दिन केस की फिक्र कर रहे हैं, आप शाहिद अफरीदी बीच में कहां से आ रहे हैं, मुझे क्या पता है? तो ऐसा होना चाहिए क्या? एक सेकंड, मुझे क्या पता क्या हो रहा है? यहां इमरान खान जेल में बैठे, उसको जिंदगी की धमकियां मिल रही हैं, राणा सनाउल्ला और इन 17 सीटों की पार्टी को ये करना चाहिए, पहले ये सवाल पूछे, वो जिंदगी की